हेलो दोस्तों, 17 दिसंबर 1993 को आई फिल्म तड़ी पार। तड़ी पार शब्द का तात्पर्य है कि आपको देश निकाला दे दिया जाए जब आप एक खतरनाक मुजरिम हैं। शंकर नाम का एक व्यक्ति जो कि खतरनाक मुजरिम है, अपराधी है, और पुलिस उसके पीछे पड़ी है, और वो अपने शहर के बाहर निकलने की फिराक में है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात नमकीन नाम की लड़की से हो जाती है। नमकीन की शक्ल हूबहू एक मोहिनी नाम की लड़की से मिलती है, मोहिनी कुमारी नाम की लड़की जो कि अमीर रईसजादी है। अब शंकर के मन में ये आता है कि अगर नमकीन मोहिनी कुमारी बन जाए तो हम करोड़ों के वारे न्यारे कर सकते हैं। इसके आगे कहानी आप इस फिल्म को देख करके जान सकते हैं। 4.8 की IMDB रेटिंग के साथ आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी कास्ट, क्रू और बजट और कलेक्शन के बारे में। तड़ी पार फिल्म को महेश भट्ट साहब ने निर्देशित किया था और इसको लिखा था मशहूर लेखक रॉबिन भट्ट और जावेद सिद्दीकी साहब ने। अगर हम बात करें इसके छायांकन की यानी कि सिनेमेटोग्राफी की, तो रॉबिन भट्ट साहब, नहीं माफ़ कीजिएगा, परवीन भट्ट साहब ने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, जो कि मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट जी के पिताजी हैं। विक्रम भट्ट जी के फिल्में आपने देखी होंगी, जैसे कि 1920, हॉन्टेड जैसी भूतही फिल्में उन्होंने बनाई है। लौटते हैं विषय वस्तु पे, यानी तड़ी पार पे। तड़ी पार को जो है मुकेश भट्ट साहब ने प्रोड्यूस किया था अपनी कंपनी विशेष फिल्म्स के बैनर तले। सड़क की अपार सफलता के बाद महेश भट्ट साहब ने एक और अलग टाइप की लव स्टोरी बनाई थी, और जिसमें से एक ये तड़ी पार है, जिसमें उनकी बेटी पूजा भट्ट ने मिथुन दादा के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म के अगर हम कलाकारों की बात करें तो मिथुन दादा के साथ नजर आई पूजा भट्ट, अनुपम खेर साहब, सदाशिव अमरापुरकर साहब का स्पेशल अपीयरेंस था, जूही चावला जी का भी स्पेशल अपीयरेंस था। इसके अलावा नजर आए अवतार गिल, गेविन पैकर्ड जैसे धुरंधर अभिनेता। हम बात करेंगे इसके बजट और कलेक्शन के बारे में। तकरीबन 1,75,00,000 के बजट में बनी फिल्म ने 4,30,00,000 रुपए का कारोबार किया था, मतलब भारत के बाहर। हालांकि 3.25 यानी कि 3,25,00,000 रुपए इसने भारत के अंदर कमाए थे, और 4.30 यानी कि 4,30,00,000 रुपए इसने भारत के बाहर कमाए थे। इसका गाना आज पहली बार दिल की बात की है, जिसको कुमार सानू और अलका याग्निक मैम की जोड़ी ने गाया था। बहुत ही बेहतरीन गाना, बहुत ही उम्दा गाना। नदीम सरवण का जो म्यूज़िक था, जो संगीत था, जिन्होंने इसके गानों को कंपोज किया, बहुत ही कमाल और उम्दा। मिथुन दादा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से ये एक फिल्म रही है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। और लव स्टोरी और एक्शन थ्रिलर रोमांटिक सब कुछ इसमें था। और महेश भट्ट साहब हमेशा लीक से हटके फिल्म बनाते हैं, तो उनकी ये लीक से हटकर फिल्म थी। बाकी इस फिल्म से जो रोचक जानकारी थी हमने आपको दे दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।